नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा था। कर्ण से भी महान कई योद्धा थे। कहा जाता है बर्बरीक कर्ण से महान योद्धा था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जाता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ा, तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती। द्रोण, भीष्म और श्रीकृष्ण को हमने इस युद्ध में शामिल नहीं किया, क्योंकि वे तो देवता थे। दरअसल कर्ण ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा था जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया, और वह भी धर्म सम्मत रूप से। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में वे सारे तथ्य जिनके कारण कर्ण को एक महान योद्धा माना जा सकता है। दोस्तों, इस श्रेणी में पहला तथ्य आता है कि अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी यानी भगवान कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण का साथ देने के लिए केवल दुर्योधन था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित। दोस्तों, अब जानेंगे दूसरा तथ्य। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण की शिक्षा देने के लिए तैयार ही ना होते। दोस्तों, अब हम जानेंगे तीसरा तत्व। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने अपनी मित्रता का धर्म निभाया। दोस्तों, चौथा तथ्य है कि श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। अगला तथ्य है, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल पूर्वक मारा था। दोस्तों, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता, उस योद्धा के चारों ओर एक ऐसा अभेद घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। दोस्तों, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चार पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक योद्धा का वचन दे चुका था और एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के कारण वह अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहता था। अगला तथ्य है कि जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसने राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए, उसे भी कर्ण ने हराया। अगला तथ्य, सुसेन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण देता है। सुसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने कहा था कि तुम मेरा संघान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मार डाला था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया। मित्रों, अब जानते हैं अगला तत्व। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह कभी मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने
योद्धाओं की तरह लड़ता हुआ मरा। दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिरी कारण कि क्यों महान था कर्ण। मित्रों, आखिरी कारण की बात करते हुए हम जानेंगे महाभारत के एक प्रसंग अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया था, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की थी। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया, तो सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। दोस्तों, ये थे कर्ण के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि कर्ण से महान महाभारत काल में कोई योद्धा नहीं था। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।